अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मिया फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर 03024489001। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट है, प्राइसेस हैं, और स्पेशली जो इस वक्त जीटी रोड से थ्रू अंडरपास जो ये न्यू एक एंट्रेंस ओपन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्राइसेस का, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इलम में है कि लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल 4 एंट्रेंसेज हैं। आपकी जो इस करंट एंट्रेंस है, जिसको हम लोग चक 44 की एंट्रेंस बोलते हैं, और ये एंट्रेंस 4 है जहाँ से हम इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा इसके 3 और एंट्रेंसेज हैं, जिसमें एक जीटी रोड के ऊपर जेट एक्सेस आती है थ्रू अंडरपास, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि रेलवे लाइन गुजर रही है, वहाँ से आप क्रॉस करते हैं और आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं, ओवरसीज प्राइम के अंदर। इसी तरह जो इसकी 3rd एंट्रेंस है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी न्यूज़ आने वाली है, वो हमें मिलेगी ईस्टर्न बाईपास रिंग रोड से। और इसकी जो 4th एंट्रेंस है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हमें सियालकोट मोटरवे से मिलेगी। लाहौर रियल स्टेट आपको D1 से लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो आपको सजेस्ट करिए कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत से हमारे कस्टमर जो है इस वक्त हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। येस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन लाहौर स्मार्ट सिटी रेजिडेंशियल, स्पेशली इन कमर्शियल प्लॉट्स। हम थोड़ा सा आपको डिटेल ब्रीफ कर देते हैं। इसका जो फेज वन है, जिसपे इस वक्त आप ऑन ग्राउंड काम होता हुआ देखते हैं, ये इसका फेज वन है जो कि तकरीबन 3800 एकर्स के ऊपर है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो फेजेस हैं, फेज 2 और 4, फेज 3, वो भी इंशाल्लाह प्लान का हिस्सा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की अगर हम लोग बात करें, तो जो डेवलपर है उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक या 1.5 ईयर्स पहले इसकी जो बुकिंग है वो की थी। जो 4 मरला एग्जेक्टिव है अराउंड 90 लाख, और जो ओवरसीज है वो 94,50,000 के ऊपर 3 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। अगर हम लोग करंट ऑन की बात करें, तो इसका करंट ऑन इसके ऊपर 34 से 35 के इन बिटवीन चल रहा है, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए। ओवरऑल जो है वो इस वक्त रियल स्टेट की जो मार्केट है वो डाउनफॉल है, प्राइसेस इस वक्त नीचे आई हुई है और मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा स्लो है। और हम ये कहना चाहें कि इस वक्त रिसेशन चल रहा है, पर इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिकवरी की तरफ जाना शुरू होगी। और उसकी रीजंस क्या है, मेरे ख्याल से वो तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम व्यूअर्स जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है और लोकल इन्वेस्टर, वो इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, या वो अभी वेट कर रहा है कि आगे पोजीशन किस तरफ जाती है। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, इसलिए कि इंशाल्लाह अब देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उससे भी निकलाएगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होगी, तो मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी, तो प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 4 मरला जो कमर्शियल है, वो इस वक्त अगर आप लेट से 90 लाख वाला एग्जेक्टिव की हम लोग बात करें, तो वो आपको कॉस्ट करता है 114 पे 1,14,00,000 रुपए में इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मेरे कहने पे या लाहौर स्टेट के कहने पे इस चीज का वेट कर रहे थे कि मार्केट कब एंटर करना चाहिए हमें लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, तो इस वक्त बेस्ट टाइम है। क्योंकि ये जो फ्लैश न्यूज आपने सुनी है 1 डे पहले या 1 से 2 दिन पहले कि जीटी रोड से जेट एक्सेस के लिए ऑनकोर्ड जो है वो अल्टरनेट जो ट्रैक है उसका अल्टरनेट रूट के ऊपर काम शुरू हो गया। पहले जो है वो ट्रैक को अल्टरनेट रूट देंगे ताकि जो ट्रेन वहां से गुजरनी है वो मुतासर ना हो, फिर जो है वो फर्दर उसके ऊपर काम स्टार्ट करके ये अंडरपास लेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे शॉर्ट टाइम स्पीड के अंदर जो है वो आपको यहाँ से मेन एक्सेस मिल जाएगी, और इसी तरह फिर आपको रिंग रोड से मिलेगी, फिर इसी तरह सियालकोट मोटरवे से मिलेगी। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ रिवील करेंगे आफ्टर कन्फर्मेशन। हमारे पास कुछ सोर्सेज इन्फॉर्मेशन आई है, हम जैसे उसको कन्फर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद प्रूफ उसके साथ भी आपके साथ बात करेंगे। इसके अंदर जो रेजिडेंशियल फाइल्स है, स्पेशली जो फर्स्ट बुकिंग है, उसमें तमाम कैटेगरीज की रेजिडेंशियल फाइल्स और कमर्शियल, चाहे वो 2.6 मरला है, 6 मरला है, 4 मरला है या 8 मरला है, दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। आप खुद अज्यूम करें कि एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, नॉट एक सोसाइटी बनने जा रही है, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आउट ऑफ आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग होगा। इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड इस वक्त मैंने तो पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा, और लास्ट 2 मंथ में आपने देखा होगा मेरी कोई वीडियो नहीं, तो मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैंने वहाँ पे भी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर विजिट किया,
बहुत ही आउटस्टैंडिंग लाइफ स्टैंडर्ड आपको लाहौर स्मार्ट सिटी देने के लिए जा रहा है। तमाम जो फीचर्स हैं वो स्मार्ट है, आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अदर सोसाइटीज हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सी सोसाइटीज हैं उनमें भी वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी, जबकि वहां पे जो प्लॉट्स हैं वो करोड़ों में वेल नोन सोसाइटीज हैं जिसमें चार माला जो कमर्शियल है वो हमें 20-25 करोड़ में मिलता है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल है वो अगर आपको 1.25 करोड़ में या 1 करोड़ 14-15 लाख में कॉस्ट कर रहा है तो दी बेस्ट चॉइस है। जो दोस्त वेट कर रहे हैं कि शायद मार्केट मजीद ड्रॉप करेगी तो मजीद ड्रॉप करने के चांसेस बहुत कम है। डेवलपर ने ऑनवर्ड साइड के ऊपर डेवलपमेंट इतनी आउटस्टैंडिंग कर दी है और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इस जो न्यू एक्सेस बनेगी इससे एंड यूजर बहुत ज्यादा वहां पे मोटिवेट होके विजिट के लिए जाएगा। विजिट तो अभी भी लोग करें, अगर आप साइट विजिट करना चाहें तो आप लाहौर रियल स्टेट को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको डिटेल साइट विजिट करवाएंगे जिसमें आपको सेक्टर ए बी जिसको हम ओवरसीज प्राइम कहते हैं और जो फर्दर सेक्टर्स हैं उसके साथ साथ जो ओवरसीज 1 ओवरसीज 2 एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 का प्लान है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ 03024899001। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।